subscribe to Mr. Psycho Sam and don't forget to press. Hello guys, welcome to my channel. मैं हूँ अभिषेक, आपका दोस्त. और आज के टॉपिक में बात करने वाला हूँ मैं कि सबसे चीपेस्ट जो होता है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए, तो हम सबके घर में रहता है और आप उसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल मीडिया, क्योंकि जो आपके सिरेमिक बॉल आते हैं या आपका लोअर रॉक आता है वो काफ़ी कॉस्टली आता है और सीकेम है और बाकी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगे आते हैं. तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे चीपेस्ट बायोलॉजिकल मीडिया के बारे में, और वो चीज़ है आपका ये ईट, या आप इसको बोल सकते हैं ब्रिक. ईट कंस्ट्रक्शन ब्रिक होता है ये. बेसिकली ये जो आपका रहता है वो काफ़ी पोरस होता है, पानी को काफ़ी अच्छा सोखता है. लेकिन आप अगर कंपेयर करें सिरेमिक बॉल से या लावा रॉक से अगर आप कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम पोरस होता है उसके कंपैरिजन में. बट ये एक अच्छा मीडिया बन सकता है आपके बायोलॉजिकल उसके लिए. और मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको एकदम प्रॉपर एक्वेरियम में ही यूज़ करें. अगर आपके पास कोई पॉन्ड वगैरह है या अगर आपके पास कोई वाटर टैंक है जिसमें आप फिश को पालते हैं और उसमें रखते हैं, जैसे मैं अपने की बात कर रहा हूँ, मैं अपने इस टंकी में पॉन्ड बोल सकता हूँ, मिनी पॉन्ड, इसमें मेरे पूरी सिक्लिड वैरायटी वगैरह है. और ये मेरा फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये है. इसमें वैसे अभी मैंने जो है वो सिरेमिक रिंग डाला है, लेकिन क्योंकि मेरा वाटर जो है ऑलरेडी पूरा सर्कुलेटिंग में है तो मैं यहाँ पे आपका जो ब्रिक है उसको रख दूंगा, तो वो एडिशनल आपके बायोलॉजिकल मीडिया के लिए यूज हो जाएगा और वो काफी अच्छा है. तो इसको कैसे प्रिपेयर करना, पहले तो प्रॉज एंड कॉन्स. प्रॉज में ये है कि काफी चीपेस्ट है, आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है. दूसरा ये है कि आपको इसको मीन्स डालने के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती. बट अब आते हैं कॉन की तरफ. अब ये जो है आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे बेसिकली रहता है, अगर आप इसको फ्रेश भी कहीं से लेंगे तो भी ये काफ़ी जगह से ट्रैवल करके फिर आपके पास आता है. भट्टी है, भट्टी से आपके पास शॉप वाले के पास आएगा, फिर कहीं. तो आप अगर आपको चीपेस्ट यूज़ करना है तो आप एकदम जाके कहीं खरीद के तो नहीं लाएंगे, जहाँ कहीं पड़ा होगा वहाँ से ही लेके आएंगे. तो आप इसको अगर लाएंगे, इसको ऐसे टुकड़े टुकड़े भी करेंगे और डायरेक्ट अगर पानी में डाल देंगे तो बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, बहुत सारे आपके इन्फेक्शन एजेंट होते हैं जो कि आपके फिश को हार्म कर सकते हैं. तो पहले इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है. ट्रीट करने का सबसे बेस्ट उपाय जो है वो अब आगे आप देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेकिंग प्रोसेस था, मेकिंग प्रोसेस क्या बोलूँ, ये सिंपल प्रोसेस. इसको मैंने जो मेरा ब्रिक था उसको मैंने जो है वो टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं. अब इसको पानी में डुबा के रखा है. जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, जिस टाइप का ये जो वाटर क्लाउडीनेस है, जो आपका वाटर चेंजिंग एलिमेंट्स है, आप इनको बार बार आपको पानी से पहली बार तो धोना है. इसके जो बारीक टुकड़े हैं उसको आपको हटाना है. उसके बाद जब आपका वाटर जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अभी तो इसको मेरे को धोने में काफ़ी टाइम लगेगा और कम से कम मैं इसको 3 या 4 बार इसको मैं वॉश करूँगा. उसके बाद अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. ये जो चीज़ें हैं ये आपको हटानी है, जो बारीक पना है इसका. और खासकर आपको जो बोलना चाहिए ना, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े आप यूज करें तो आपका ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ये जब आप अपने टैंक को साफ करेंगे या फिर अपने पॉन्ड वगैरह को साफ करेंगे तो आपके काफ़ी काम आएगा. अब जो मेरा ये है ब्रिक है, इसको मैं धोने के बाद इसको मैं पानी में डाल के रखे रहूँगा. कम से कम मैं इसको 2 दिन तक मैं डुबा के रखूँगा. उसके बाद आप इसमें डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, आप डालेंगे जो आपका वॉयलेट कलर का आता है. तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होगी, जितने भी आपके पैरासाइट्स होंगे, जितने भी आपके पॉजिटिव एजेंट होंगे जो फिश का आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो सारे पोटेशियम परमैंगनेट डालने से वो सब मर जाएंगे. उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद आप उसको फिर से अच्छे से पानी में धोइए और 1 दिन और डुबा के रखिए. देन आपका जो ये फिल्टर मीडिया है वो तैयार हो जाएगा.
ये एकदम अचूक नहीं है कि एकदम 100% है कि आपका ये वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं, जब आप इसको पानी में डुबा के रखेंगे तो ये पानी के अंदर घुस जाता है और ये पानी को काफी सोख लेता है। हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी काफी स्मॉल पोरस एरिया चाहिए रहता है जिसमें वो ग्रो कर सके और जो आपके नाइट्रोजन साइकिल है उसको वो कंडक्ट करा सके, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में। तो इससे क्या होगा कि आपके वाटर में या आपके फिश के कम से कम मरने के चांसेस रहेंगे। तो ये सबसे बेस्ट है। इसके साथ में अगर आपको और बेनिफिशियल मतलब और आपको बेनिफिट लेना, आप इसके साथ में सिरेमिक बॉल्स है, लावा रॉक्स है, ये वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप कोई दिक्कत आती है आप मेरे को मैसेज करिए, कमेंट करिए, जो कोई भी क्वारी होगी मैं आपका बिल्कुल मदद करूँगा उसमें। और अगर किसी को फिश वगैरह चाहिए, फिल्टर मीडिया चाहिए, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, या मेरे पास सप्लायर हैं जिनके पास अवेलेबल रहते हैं, तो मैं आपको उनसे कम्युनिकेट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप मेरे चैनल में फिश वीडियोस या ऐसे ही वीडियोस को और देखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे पास करीबन तीन से चार टैंक है, एक पॉन्ड है, और उसमें मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। खासकर आप लोग मेरे को जानते हैं कि मैं DIY प्रोजेक्ट, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट को ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो ज़्यादा पसंद है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कोई भी क्वारी हो, कोई भी डिटेल्स लेना हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मेरे को बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।